दोस्तों आपने देखा होगा कि बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास 1000 ट्रक, 2000 ट्रक या उससे भी ज्यादा ट्रक होता है, जैसे कि SBLL, BRL या फिर जिया खान का कंपनी जिसके पास 350 से ज्यादा ट्रेलर ट्रक है। वैसे तो मैं इन तीनों कंपनी पर, SBLL, BRL और जिया खान का कंपनी पर मैं वीडियो बना चुका हूं और उनके सक्सेस स्टोरी को शेयर किया है, लेकिन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस तरह से छोटी कंपनी जिनके पास 50-100 ट्रक है या फिर 1000-2000 भी ट्रक है, तो किस तरह से उन्हें भाड़ा मिलता है और किस तरह से उनका फ्लीट साइज, जो ट्रक का नंबर ऑफ साइज है, उनका कंटिन्यू बढ़ते जाता है। दोस्तों आपने ये कहानी जरूर सुना होगा अपने रिलेटिव से या फिर किसी अपने फ्रेंड से कि किसी के पास 1-2 ट्रक था और आज उसके 5-10 साल के बाद उसके पास 50-100 ट्रक है। तो इनके नंबर ऑफ ट्रक कैसे बढ़ते जाते हैं और कहां से इन्हें रेगुलर बेसिस पर भाड़ा मिलता है, इन्हीं सारी बातों की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, एग्जांपल के तौर पर लेते हैं स्टील सेक्टर, तो स्टील सेक्टर में JSW स्टील, टाटा स्टील, FMCG का बात करें तो PNG, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज, बेवरेज इंडस्ट्री का बात करें तो कोका कोला, पेप्सी, हार्डवेयर और सैनिटरी में हिंडवेयर, पेरीवेयर, जैकुआर, प्लाई इंडस्ट्री में सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई। तो ये तो बस एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। इसी तरह से इंडिया में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग हजारों कंपनियां काम कर रही हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर अपना प्रोडक्शन कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, जिन्हें ट्रांसपोर्ट का जरूरत रेगुलर बेसिस पर होता है। तो जो भी इंडिया में ये छोटी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कंपनीज हैं, इनका एक रफ एस्टिमेट होता है कि आने वाले 2-3 साल में कितना प्रोडक्शन होगा और उसका डिलीवरी किस किस लोकेशन पर होने वाला है। तो उसके लिए वो कंपनीज टेंडर निकालती हैं या फिर उनके लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ये को काम सौंपता है। तो ये जो भी बड़ी बड़ी फ्लीट ओनर कंपनी है, जो भी बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि अगले आने वाले 2-3 साल में आपका इतना माल इन लोकेशन पर आप डिलीवर करना है। तो इन्हें पता होता है कि अगले 2-3 साल में कितना माल डिलीवर करना है और इसके लिए उन्हें कितना ट्रक का जरूरत पड़ेगा और उसी अनुसार वो अपना फ्लीट साइज बढ़ाते हैं। और कंपनी से डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उन्हें आसानी से बैंक से लोन भी मिल जाता है जिससे वो नया ट्रक खरीद सके। और जब ये ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में अच्छा काम करता है किसी कंपनी के साथ, तो फिर अपना विस्तार वो धीरे धीरे अलग सेक्टर में भी करता है और जैसे जैसे उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसका फ्लीट साइज बढ़ते जाता है और 10-15-20 साल में उसका फ्लीट साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको ट्रक इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ना है और अपने फ्लीट साइज बढ़ाना है, अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी को बढ़ाना है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक खरीद करके, तो सबसे इसका अच्छा उपाय है कि आप जितना हो सके कंपनी का काम कीजिए, इंडिविजुअल या फिर किसी ट्रांसपोर्टर के साथ मत जुड़िए, ट्रक को किसी कंपनी के साथ जोड़िए। शुरुआत में अगर आपको कोई बड़ी कंपनी के साथ आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो छोटे छोटे कंपनी के साथ जुड़िए और कंपनी के साथ काम कीजिए और धीरे धीरे डिमांड के अनुसार अपने फ्लीट साइज को बढ़ाइए। और एक बात ध्यान में रखें, किसी के भरोसे या फिर बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट का नया ट्रक न खरीदें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए।